साहब जी, आपके लिए चाय बनाऊं? नहीं नहीं चाय नहीं पीनी। रहमान, ये शावेज बहुत लेट आने लगा है। अब बिजनेस का मतलब ये थोड़ी है कि आदमी अपना घर बार सब कुछ भूल के बैठ जाए। शादी है घर में, उसके 100 मसले मसाइल हैं, अब उनको कौन निपटाएगा? ऐसे तो नहीं चलेगा ना सब। भाई शुक्र करो, तुम्हारे तमाम मसले मसाइल जो हैं वो तो हल हो चुके हैं, अब क्या मसला है? भाई वो डिजाइनर के फोन पे फोन आ रहे हैं, उसने जाके अभी तक शेरवानी का नाप नहीं दिया है। अब आपने और मैंने तो नहीं पहननी ना, उसी ने पहननी है, उसी को जाना पड़ेगा ना नाप देने के लिए। भाई आजकल सब कुछ बाजार से बना बनाया रेडीमेड मिल जाता है, तुम क्यों घबरा रही हो? अरे बना बनाया उसे अगर पूरा ना आया तो, और अगर साइज बड़ा हुआ खुला हुआ तो मैं पहन लूंगा। आप भी ना 24 घंटे मजाक सोचता रहता है आपको। ओहो, तो उसको फोन करके बोलो कि वापसी पर अपना नाप देता आ जाए, साइज फिट कर ले तो फिर आ जाए। ये मिसेस बाकर का फोन होगा, जरा मैं इनसे बात कर लूं, उसके बाद फोन करती हूँ उसको मैं। एक तो कंफ्यूजन की भी इंतहा होती है। सी द प्रॉब्लम इज, तुम जानते नहीं हो मेरे खानदान को। तुम्हारा खानदान इतना बैकवर्ड होगा शावेज, मैं ये नहीं जानती थी। ये बचपन की मंगनियां कब होती हैं आजकल? उफ, अब तो औलाद आके कहती है कि ये हमें पसंद है, इससे हमें शादी करनी है और बस। या तुम्हारा मसला कुछ और है? यू डोंट लव मी इनफ। फिर वही बात। तो फिर और क्या सोचू मैं, यही ना कि ईश्वर से शादी करनी है तुमने? यार तुम मेरी सिचुएशन को समझने की कोशिश करो और हेल्प करो मेरी।